आज का लेक्चर है 10th क्लास वालों के लिए, जंतुओं में हार्मोन्स। तो ये जो रसायन या हार्मोन्स जंतु में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे कि गिलहरी को लीजिए, जब ये विषम परिस्थिति में होते हैं तो क्या महसूस करते हैं? वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करते हैं। दोनों ही बहुत जटिल है, जिसे नियंत्रित करने तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनको एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। यदि भी लड़ना या दौड़ना हो, दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ एक स्थिति है जिनमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। यह तैयारी आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी में शरीर अविकल्प तंत्रिका और कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होता है होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों को परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसरवर्त हो जाता है। अधिवक्र ग्रंथि में स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन्स द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में ये किया जाता है कि इन ग्रंथियों के शरीर में स्थिति जानने के लिए 7.7 को देखना है। तो यहाँ पर देखो विचित्र दिखाया गया है, यहाँ पर यह वर्षण है, यह आग्नेय है, यह अधिवक्र ग्रंथि है, ये ऑटो ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ये जो ग्रंथि है, पैराओटो ग्रंथि है, थायमस ग्रंथि है। इसी तरीके से अंडाशय है, अधिवक्र ग्रंथि है, आग्नेय है, थायमस ग्रंथि है, पैराओटो ग्रंथि है, ऑटो ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये सेम है सब, फर्क क्या है? यहाँ वर्षण है और यहाँ अंडाशय है। जो स्त्री और पुरुष का जो फर्क है, मैं इसमें जो वर्षण होगा, ठीक है, जो शुक्राणु उत्पन्न करता है, और अंडाशय जो होता है वो अंडाणु उत्पन्न करता है, और बाकी अधिवक्र ग्रंथि होती है, आग्नेय होती है, थायमस होती है, पैराओटो होती है, ऑटो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस होता है जो काल्पनिक जो करते हैं हम, जो मतलब कल्पना करते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सोचते हैं उसके लिए। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है, जो एड्रेनलिन जो होता है वो सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है, परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास ही पेशियाँ सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियाँ की पेशी के संकोचन में श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति में इससे निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियां का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन्स होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम अनेक भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो ये साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाता है उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जैसे कि मतलब शरीर में वृद्धि होती है, आवाज़ भारी होती है, महिलाओं की आवाज़ पतली हो जाती है, पुरुष की दाढ़ी मूंछ आने लगती है। तो इसी तरीके से उदाहरण के लिए जैसे पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियाँ उगाते हैं,
लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की कल्पना बच्चों की वर्दी के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित होती है। ये समझने के लिए एक समन्वय वर्दी में हार्मोन्स कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सब ने देखा आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रित करता है ताकि वर्दी के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो संभावना है कि हम गोइटर में उससे ग्रसित हो सकें। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है, ऑटो ग्रंथि की स्थिति में संबंधित कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी बौने होते हैं, ये बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि ये कैसे होता है? जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हारमोन्स में एक वर्दी हारमोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथि होती है। देखो ये जो पीयूष ग्रंथि है यहाँ पर एक वर्दी हारमोन्स होता है, तो वो क्या करता है शरीर को बहुत ही वर्दी कर देता है या किसी को बना रख देता है। जैसे इसका नाम इंगित करता है वर्दी हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बौनापन का कारण बनता है। जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष की होगी तो आपने अपने और इसके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिसे डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है क्योंकि वे मधुमेह के रोगी होते हैं? उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों। ये एक हार्मोन है जिसका उत्पादन आग्नाशय में होता है जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिसे ये क्रिया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो आग्नेय ग्रंथि को डिटेक्ट कर लेती है तो इनकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है।